नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड ने बढ़ा ही लोगों की परेशानियां। जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने को मजबूर। ठंड से बचने के लिए जागीरपुरी, आजादपुर, आदर्श नगर और कई इलाकों में गलियों में भी लोग जला रहे हैं लकड़ियां। लकड़ियों के धुएं से आसपास का वातावरण भी हो रहा है प्रदूषित। लोगों को सांस लेने तक का हुआ मुश्किल, लेकिन ठंड से बचने का लोगों के पास नहीं है कोई और समाधान। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड अपनी सितम ढा रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर सुबह और शाम के वक्तों ठंड और कोहरा इस कदर होता है कि लोगों का बिना अलाव जलाए खुले आसमान के नीचे खड़े रहना तक नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में अब दिल्ली की हर गली सड़क पर लोग अलाव जलाकर आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस अलाव जलाने की वजह से वाटर मोड पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। काले धुएं से प्रदूषण में तेजी से फैल रहा है और राजधानी दिल्ली कई ऐसे इलाके जहां पर पहले ही प्रदूषण अपना प्रकोप दिखा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह और शाम के वक्त अब इस कदर की लोगों को अपने चंद कदमों की दूरी तक भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में लोग अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। आदर्श नगर, जागीरपुरी, महिंद्रा पार्क, आजादपुर ऐसे कई इलाके हैं जहां ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है और लोग अलाव जलाकर रातें बिताने को मजबूर हैं। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। अरविंद जी, कितने समस्या हो रहा था ये घोरे कोहरे के कारण? बहुत कोहरा हो रहा है इस टाइम, कई बार तो सामने दिखाई नहीं देता, गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, सामने रुक रुक के कई बार गाड़ियां चलानी पड़ रही है, इतनी कोहरे का दिक्कत हो रही है। क्या लग रही है पोल्यूशन घोरे कोहरे के कारण कितनी समस्या होता है? बीमारी की बात करिए, सांस लेने में कितनी समस्या हो रही है? एक तो जगह जगह कई जगह लकड़ी बाहर रोड पे जला रहे हैं, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी रोड पे रुको तो ऐसे लगता है जैसे दम घुट रहा हो। और ठंड तो खैर वैसे हो ही रही है और कोहरे का तो कहर चल ही रहा है। इससे कितनी समस्या हो रही है? समस्याएं तो बहुत है, जैसे कि आप सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, गले में खराश हो रही है, खांसी होने लगती है, यानी बहुत सारी समस्याएं, विषम दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। सर, रोड पे गाड़ी चलाते हैं क्या लग रहा है ये सर्दी का कहर कितने साल के रिकॉर्ड तोड़ेगा? ये तो इस आजकल का जो इस हफ्ते से जो ठंड बढ़ रही है, जो जिस हिसाब से दिख रहा है, इससे तो लग रहा है कि कई सालों का, 20 से 25 सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ देगी। कितनी समस्या हो रही है जो गाड़ी चलाने वाले की, कितनी समस्या हो रही है? गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में तो इतनी होता है कि हाथ समझ लो बर्फ की तरफ जम जाती है। सरकार की बात करी जाए कि बड़े बड़े वादा कर रखे, बाहर रोडों के किनारे देखे जो मुसाफिर होते उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी रोड के नीचे जहाँ से मैं बाइक लेके आ रहा था, वहाँ साइड में क्या कहते हैं, रोड पे सोए हुए हैं बंदे, महिलाएं सोई हुई है, बच्चे सोए हुए हैं, काफी सोए हुए हैं रोडों पे। उनके लिए क्या कर रही है सरकार? उनके लिए कुछ करना चाहिए नहीं सर्दी के मौसम में? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।